हर दुश्मन की कहानी जहर से शुरू होती है। एक कहानी ऐसी भी है जिसे दिल के सांपों ने याद रखा है। जिस तरह लोग अपना एहसान नहीं भूलते, उसी तरह दुश्मन अपना बदला नहीं भूलता। नफरत किसी भी दुश्मनी का सबसे बड़ा हथियार होती है। अपने हथियार खोल के सामने रखना बेवकूफी होती है। बड़ा खून बहा है यहां तक पहुंचने में। कहानी के सर में मट्टी डालना चाहता है। कब्रें बनाने के अलावा इन दोनों खानदानों में होता क्या है? दुश्मन का है सांसों पे पहरा। मार के आते या मर के आते। सुनार अपनी सौ मार चुका है, अब लोहार की बारी है। बाहर के दुश्मनों से लड़े, अभी अंदर दुश्मन खड़े ना कर। न मोहब्बत को पहले जीतने दिया था, न अब जीतने दूंगी। औलाद की तरह पाला है दोनों खानदानों ने इस दुश्मनी। क्या मिला दादा साईं? दुश्मनी अमानत है हमारी, और हम लोग अमानत में खयानत नहीं कर सकते। मैं अपने दुश्मन को खत्म किए बगैर बैठती नहीं हूँ। बाहर के दुश्मन काफी है, वारिस अंदर के न बना। बाहर के दुश्मन का वार खाली जा सकता है, अंदर वाले का निशाना कभी नहीं। मोहब्बत को धोखा दिया ना इस बार तो मुंशी तेरा नाम निशान नहीं बचे। हम मिट्टी हैं, हमें कोई उड़ाएगा तो उसकी आंखों में जाके पड़ेंगे। रेत को सब्ज बनाने के लिए पानी की नहीं खून की जरूरत होती है मुंशी। मुझे वो सब्जा नजर आ रहा है।